हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन साइट है। तो अब मैं क्या करूँगा कि कंस्ट्रक्शन जब चालू होता है, कोई भी काम स्टार्ट होता है, तो अब कैसे कैसे हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा मैकेनिकल का क्या होता है कि जैसे ग्रेड बीम वगैरह बनना स्टार्ट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपना प्लम्बिंग का पाइप जो निकलेगा बिल्डिंग के बाहर, ठीक है, सॉयल पाइप, वेस्ट पाइप जो होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्रेड बीम में स्लीप डालते हैं, ठीक है। अब वो स्लीप कैसे डालते हैं, अब देख लो कि जैसे कि मान लो ये एक ग्रेड बीम यहाँ से 1.25 मीटर डाउन है, ठीक है। अब ड्राइंग में मैं आपको करके दिखाऊँगा कि ग्रेड बीम का लेबल वगैरह कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे पाइप का जो इन्वर्ट लेबल होता है। तो अगर जब भी आप पाइप का इन्वर्ट लेवल का सुनो, तो पाइप का इन्वर्ट लेवल क्या होता है कि पाइप का ये बॉटम होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई बोले कि इन्वर्ट लेवल ऑफ पाइप, तो इस ग्रेड बीम से यहाँ से आप नापोगे यहाँ पाइप के बॉटम तक जो लेवल है ना, ये बोलेगा इन्वर्ट लेवल। फॉर एग्जांपल मान लो कि इस टॉप से ले कर इस यहाँ तक अगर आपका 40 सेंटीमीटर है, तो इसको बोलेंगे कि इन्वर्ट लेवल ऑफ पाइप। अब एक क्या होता है कि जब भी आप ड्राइंग में देखेंगे फिनिश फ्लोर लेवल होता है, ठीक है। तो इस साइड का जो हमारा फिनिश फ्लोर लेवल है ग्रेड बीम यहाँ पे है, ठीक है, 30.15 है ग्रेड बीम का लेवल। और इससे 10 सेंटी ऊपर हमारा क्या होगा कि फिनिशिंग होगा, जो टाइल वगैरह लगेगा, ठीक है। तो अभी जो भी हम लोग लेवल लेंगे, वो जो ग्रेड बीम का लेवल है, टॉप ऑफ कंक्रीट है ग्रेड बीम का यहाँ पे 30.15, तो 30.15 माइनस हम जाएंगे 40, तो अब वो जितना बनेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो हम 40 सेंटी डाउन जा रहे हैं, तो 29.74 के आसपास आएगा 41 सेंटी। तो इस ग्रेड बीम का जो इस स्लीप का जो लेवल होगा हमारा, वो होगा 29.74 इन्वर्ट लेवल ऑफ पाइप, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको एक एक वीडियो बना के बताऊँगा कि कैसे पाइपिंग वगैरह करते हैं, ड्रेनेज का, प्लम्बिंग का, फिर ठीक है, जब फिर HVAC फायर का काम स्टार्ट होगा तो उसका भी वीडियो मैं डालता रहूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।